यही होटल है, कुछ और ठीक है, ऊपर 50 मीटर 60 मीटर इसके हिसाब से ना वो पैसे ले लेते हैं आप। और ये होटल का इन्होंने नाम लिखा है दिलदार लिफ्ट। जबले उमर कॉनरेड, एक ये होटल है ठीक है, आपको भी एक होटल है, अंदर जाए ना, ये अंदर का एक होटल है। देखो मैं आपके साथ ना कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। रिसेंटली मैं 23 तारीख को हम हमारे पे आए, तो हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमें ना होटल कोई और कह के और ले किसी और होटल में गए हमें, तो हमारे साथ उन्होंने एक तरह का फ्रॉड किया, ट्रैवल एजेंसी वालों ने होटल कुछ और का और कुछ और होटल बताया। तो आप आपको ना दिखाऊंगा भी होटल के कागजात कौन से हैं। तो अभी मैं आपको ना कुछ होटल्स दिखाता हूँ जो मक्का के नज़दीक हैं, ताकि कल को आपके लोगों के साथ रहना और कुछ फूड प्लेसेस हैं पाकिस्तानी खानों की, ठीक है, दुकानें भी हैं, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको, तो वो भी देख लें। एक ये होटल है, ये भी है आगे, एक ये पाकिस्तानी होटल है, ये गली है इधर अंदर को करके, ये सरगोधा होटल है, इससे झाल चुकी हुई दाल है ही नहीं। इनसे मैंने पूछा आपके पास झाल चुकी हुई दाल है, कहते नहीं है, तो ये लिखा पाकिस्तानी है लेकिन चीज़ें कौन कौन सी मिलती हैं। जब भी आप किसी ट्रैवल एजेंसी से उमरा बुक करवाएं, ठीक है, वीज़ा हमेशा जो भी मिलता है, सऊदी गवर्नमेंट आपको 3 महीने का वीज़ा देती है, जैसे हमें दिया है 3 महीने का वीज़ा, आपको भी मिलेगा। अजान हो रही है, अजान के बाद आपसे बात होती है। अजान ख़त्म हो गई, यहाँ के लोग बड़े नमाजी हैं, ये देखें ये सारे यहीं पे रोड पे जहाँ पे जगह मिलती है वहीं पे नमाज पढ़ लेते हैं, 5 टाइम के नमाजी लोग हैं ये। चले जैसे कि बात हो रही थी आपको दिखाता हूँ, ये अमरुल अल खलील होटल है ठीक है, ये थोड़ा सा दूर है, ये होटल है ठीक है, ये देख ले नाम, देख ले होटल मक्का के नज़दीक नज़दीक चंद जितना तक होगा आपको होटल दिखाऊंगा। हमने नाम नोट करते जाना क्योंकि वो ऐड में लगाते यही होटल है कुछ और, ठीक है, ऊपर 50 मीटर 60 मीटर इसके हिसाब से ना वो पैसे ले लेते हैं आपसे, तो आप ये होटल देख लें और इनको ना अच्छे तरीके से, ताकि कल को आपको हेल्पफुल हो कि ये होटल नज़दीक है मक्का से, और आप उनसे कहें कि हमें होटल भी यही दें। पहले बात यह है कि आप वीज़ा जो लगता है वो 3 महीने का लगता है, वीज़ा लगवाएं और रिटर्न टिकट लगवाएं और उसके बाद आप इधर खुद आके होटल ढूंढें, ये ज़्यादा बेहतर है। हमारे साथ हो चुका है फ्रॉड। एक ये होटल है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये छोटी छोटी दुकान है, जो 3 रियाल का सामान दे रही है, 3 रियाल का, देखो ये अंदर कोई होटल है, छोटा सा आना, ये एक होटल है, जल्दी जल्दी ना ये होटल दिखा दूं मैं आपको, क्योंकि मेरा मोबाइल बार बार ओवर हीट होता जा रहा है और ये ना मोबाइल ही ख़राब हो जाए और आपको वीडियो दिखाने कोई जोगी कोई चीज़। ये देखें कल को आपको ये होटल दिखा के, और ये दे रहे हैं हमारा होटल ये वाला, ये बंगाली होटल है, और देखें ना इसके बाहर कोई नाम है ना कुछ है, मारसा जैसे जाती एरिया। ये होटल है और ये होटल का इन्होंने नाम लिखा है दिलदार लिफ्ट, बिल्कुल ही नहीं जलती, आप भी बताएंगे कि इधर गुजारा करना आसान है या वो मुश्किल है। लिफ्ट इस जगह की लिफ्ट तो कुछ बता रहा
बड़ा दर्जी होते हैं, कभी ऊपर नहीं जाती कभी नीचे जाती, बंद हो जाती है, तंग आता आता। बस ये 4 नंबर तक ही चलती है, उसके बाद आगे चलती ये लिफ्ट। चिड़ियों के हालात ये देखें, इतने इतने से रोम दिए हुए हैं और हमें कहते हैं आप अच्छे अच्छे होटल आपके लिए बुक किए, आप उम्रा करें, आपको दिलाता हूँ। जब आया था इधर पहले दिन ही आराम बांधने लगा कमरे में, कमरा इतना छोटा था, बंगलादेशी बंगालियों के टाइप का था, छोटी छोटी चद्दर थी, वो बांधने लगा तो पंखे से हाथ लगा, हाथ तक हो गया। ये रूम देखा, छोटी सी फ्रिज पड़ी है, ये इनके वॉशरूम है। अब रात का टाइम है, कल मेरा मोबाइल ओवरहीट हो गया था, तो मैं अब आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो नज़दीक नज़दीक होटल है, शायद एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, लेकिन उससे भी आगे आगे करके हैं होटल, लेकिन इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पड़ जाते हैं। वो जबल उमर कॉनरेड एक ये होटल है, ठीक है, आप ये देख लें, इस साइड से ज़्यादातर टैक्सियाँ जाती हैं, जद्दा मदीना इधर, यहाँ पे साइड से ज़्यादातर टैक्सी आ जाती है। यह सुख अल खैर, ये जो होटल है इसका नाम है सुख अल खैर, और जबले उमर जुमरा ईस्ट टावर, काफ़ी ज़्यादा बड़ा टावर बनाया हुआ होटल है, ये जो मक्के से नज़दीक है, ये गली में कर गया होटल है, ये वाला होटल गली में कर गए, ये देख लें, अगर यही होटल हो, इसके पास मतीन पाकिस्तानी लाहौर होटल लिखा होता है, लेकिन होता नहीं है इस तरह, ठीक है। और एक ये होटल है, खुदारा खुदारा एजेंटों से बच के रहें, आपको एक ये होटल है, ठीक है, ये नज़दीक है, इनके नाम बड़े अजीब से हैं, लोत अल फला होटल, बार बार वाले सैलून है, हाजी गंज कर देते हैं, पाँच ज़्यादा से ज़्यादा 5 रियाल दें, 10 रियाल बहुत ज़्यादा। मैं भी होटल में दिखा रहा हूँ, ये मक्के से नज़दीक पड़ते हैं, मस्जिद हरम बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे रही है यहाँ के साथ ही। गली में एक होटल है, ये भी देख लें, ये नज़दीक ही है, ये होटल बाजार है ये वाला। ज़्यादातर वो यही करते हैं, आपको नाम बता देते हैं, ये होटल है, इस तरह का होटल है, इतने मीटर दूर है, लेकिन वो पिक्चर नहीं दिखाते, ये मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ ताकि आपको बहुत जल्दी अंदाज़ा हो कि ये होटल कितना नज़दीक है, ये वाला होटल तो भी एक होटल है, अंदर जाए ना, ये अंदर का एक होटल है, ये होटल है, ये भी एक होटल है जो नज़दीक है, और एक वो होटल है जो बहुत ये वफा फार्मेसी, ये रास्ता सारा हरमैन शरीफ को जाता है, वो होटल है अरीज अलवा, उसके दुकान है जो 2 रियाल में चीज़ें सेल आउट करती है, सेल लगी हुई है यहाँ पे, 3 रियाल की भी देती है। और बस आ रही है हाजी, बस कोई ना कोई हाजी की बस आई होती है यहाँ पे, ये नरवत अल शम्स होटल,
लजीज होटल।